नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और आप लोग कहे थे भाई RC20 का मोड खेलो, और ऐसा मोड खेलो कि जिसको खेलने के बाद आपको मिल जाए RC25। तो जी हाँ भाई, मैंने वो मोड डाउनलोड कर लिया है, RC20 का नया मोड, और आज हम उसको ट्राई करने वाले हैं। नए शॉर्ट्स मिलने वाले हैं हमको, नए एनिमेशंस मिलने वाले हैं, नए मोशंस मिलने वाले हैं प्लेयर्स के, कैरेक्टर्स के, तो हम सब देखेंगे एक मैच के अंदर। और हाँ, कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप वो रूल्स अप्लाई नहीं करोगे तो आपको नए शॉर्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो लेट्स प्ले, एंड भाई प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप कहते हो मैं करता हूँ अप्रिशिएशन, थोड़ा सपोर्ट नहीं दिखता तो थोड़ा दुख हो जाता है यार। तो प्लीज लाइक द वीडियो। कुछ ऐसा स्क्रीन है इस गेम का जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स जो क्रिकेट में हुए हैं उनको ही मेन्यू में डाला गया है। अब डेवलपर्स जो है वो नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि उनके रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उनके ऊपर रूल्स लागू होते हैं, तो वो बेचारे थोड़े से लिमिटेड मेन्यू दे सकते हैं, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं। ये सब फोटोज वो यूज नहीं कर सकते, इन्होंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हम जाएंगे क्विक मैच में। क्विक मैच में करने के बाद आपको दिखाई देंगी नई जर्सीज, सकते हो इंटरनेशनल टीम्स आप देख सकते हो, तब तो पॉसिबिलिटी है एक से ज्यादा टीम्स की भी। जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, अरे गुजरात टाइटन्स कहाँ से आ गया, UAE में गुजरात टाइटन्स है, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, बट ठीक है। तो अब हम लगाएंगे इंडिया का मैच, ऑब्वियस सी बात है भाई, हम ODI वाली किटी पहन रहे हैं और सामने रख रहे हैं, और मैं सामने रख रहा हूँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ग्रीन जर्सी वाला किट। भाई मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था। बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर क्विक मैच में सारे मैच सारी टीमों से खेल सकते हो, तो दिस इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। और ये प्लस पॉइंट के कारण आपको समझ में नहीं आएगा आप कौन सी ड्रीम मैच लगाओ, अगर आपको एक मैच लगानी है तो। स्टेडियम सारे अनलॉक है, एक्चुअली मैंने तो ऑलरेडी अनलॉक कराए हुए हैं, बाय कराए हुए हैं, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि शायद इस मोड के अंदर ऑलरेडी सब कुछ अनलॉक होगा। मैं हाँ इंटरनेट बंद कर दे रहा हूँ। एक बात मॉडर्न ने कही है कि भाई आप एक्सपर्ट मोड में खेलना तो ही आपके मोड सप्लाई होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो मुझे मालूम है ये मैच मेरे लिए बहुत टफ होगा, बट मैं एक्सपर्ट मोड के साथ जा रहा हूँ। 5 ओवर का गेम प्ले, पिच मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा कुछ। हाँ ठीक है, मैं 50% रेन के चांस रख दे रहा हूँ। नो रेन का है क्यों है, आपको 10 ओवर कंपल्सरी खेलना पड़ेगा, ये रूल है, ये मुझे अब पता लगा। ठीक है, इवनिंग का टाइम रख रहे हैं एंड लेट्स प्ले। और ये आती हुई पूरी की पूरी स्क्वाड आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, लिस्ट काफ़ी लंबी है, काफ़ी स्क्रोल करना पड़ रहा है। तो अब आप देख लो भाई आपको कौन कौन से प्लेयर पसंद है, वो है कि नहीं। मैं तो डिफॉल्ट के साथ जाना चाहता हूँ, बट मैं कोहली को देखना चाहता हूँ, रोहित को देखना चाहता हूँ, तो मैं इनको ऐड करूँगा। तो ये आ गई है मेरी प्लेइंग 11, जड्डू को मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, लेट्स प्ले। और ये है हमारी बैंगलोर की टीम, इसमें भी विराट कोहली है सामने। ठीक है, मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा, मैं ऐसे भी सामने वाली टीम से जल्दी छेड़खानी नहीं करता, फिर दुखी हो जाते हैं भाई कई लोग। ठीक है, आवाज आप सुन सकते हैं। और रियल क्रिकेट 25 सीरियसली लिखा आ रहा है यहाँ पे, पहले नहीं आया था मेन्यू में, पीछे नए पोस्टर्स आ गए और पीछे भी RC25 आ रहा है। और हाँ भाई, थोड़ा सा उतना परफेक्टली मोडिंग अप्लाई नहीं हुआ है, बट स्टिल मोबाइल गेम में मतलब इतने ज्यादा चेंजेस करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये सब डायलॉग तो सेम है, डायलॉग में कोई चेंज नहीं है, मैप में भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं, और जरूरत भी नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत सुपर्ब है। हाँ, बल्कि RC24 में आना चाहिए। अरे अच्छा, आई थिंक मैं पहली बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ ये गेम, इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। कलर पूरा चेंज, KFC, हाँ भाई इन्होंने पोस्टर्स भी थोड़े बहुत चेंज कर दिए हैं। अब यही बात है कि इतने टाइम बाद देख रहे हैं तो मुझे तो सब कुछ नया दिख रहा है। वहाँ पे RC20 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लग रहा है FPS थोड़े ड्रॉप हो रहे हैं। इवन UI भी मेरे ख्याल से चेंज होगा, क्योंकि ब्लू कलर का निशान आ रहा है। ठीक है, बारिश की संभावना, मैं रखना चाह रहा था बट रख नहीं पाया हेड्स के साथ। कमेंट्री मुझे देखनी थी, मैंने इस गेम में अभी तक वो कमेंट्री नहीं सुनी संजय मांजरे के वाली। ऊपर स्टार क्रिकेट लिखा आ गया है, टॉस जीत लिया है, मैं रनचेज के साथ जा रहा हूँ। मुझे याद तो नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, बट ये ठीक रहेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, मेन्यू सेम है। ठीक है, एंड मैं बुमराह के साथ शुरू कर रहा हूँ। 5 ओवर का गेम प्ले, छोटा गेम प्ले। एक और चीज बहुत सही लगी है, यहाँ पे टी शर्ट चेंज हो चुकी है एम्पायर्स की, ICC का लोगो भी लगा दिया है, तो बहुत सही। पीछे भी आप देख सकते हो जो डायनेमिक जो डिजिटल बोर्ड है वो भी एनिमेटेड एंड अलग तरीके के हैं। विराट का चेहरा नहीं बदला है, ये चेहरे सारे दिख गए यहाँ पे मुझे जिनके देखने थे, बट नहीं कोई चेंजेस नहीं है, चेहरे वैसे के वैसे ही हैं। और ये नया चेहरा है बुमराह का, अरे भाई मैंने बोला नए चेहरे नहीं है, मुझे पहले ही बुमराह का नया चेहरा दिख रहा है। ये तो बुमराह का चेहरा नहीं था, इवन हेयर स्टाइल तो नहीं ही थी। ठीक है ठीक है, ईशान किशन को आप देख सकते हो पीछे की तरफ, एंड दैट्स 5-4-3।
थ्री और ये दिल्ली का मैदान है, तो अब आप मैच करा लो रियल वाले दिल्ली से और ये वाले दिल्ली से। एंड प्लीज ये वीडियो जो है हाईएस्ट क्वालिटी में देखना, मजा आ जाएगा। जैसा मुझे दिख रही है ना एग्जैक्ट आपको भी दिखाई देगी ये गेम। ठीक है, मैं एक बार कमेंट्री देख रहा हूँ। फॉर्चुनेटली इस गेम के अंदर आपको संजय मांजरेकर का कमेंट्री, इस मोड के अंदर कमेंट्री नहीं अनलॉक मिल रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कमेंट्री ऑफ कर दिया। अब मुझे एक और चीज़ डाउट हो रही है, आप में से कई लोग बता देना मेरे को, ये बुमराह का एक्शन राइट साइड में जो आ रहा है वो पहले नहीं आता था शायद, इनसाइड एज। वो अब भाई देखो एक और बात, ये कलर है ना बहुत ज़्यादा ब्राइट है और एक्चुअली में ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैच करा दे यार, क्योंकि शुरू की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्लेसिस की विकेट मिल जाए और कोहली की विकेट मिल जाए तो गारंटी है कि बाकी प्लेयर की रेटिंग तो बहुत कम होगी। मिस हो गया, पहला परफेक्ट गेंद है यहाँ पे जो मैं नहीं रख पाया हूँ, मतलब पहली गेंद है जो परफेक्ट नहीं रख पाया हूँ। ठीक है, ऑल गुड, 2 रन ले रहा है यार। आई हेट डबल्स पुष्पा। अरे रन आउट तो नहीं हुआ, ठीक है। अभी तक नए शॉट, नई फीलिंग तो आ गई बट नए शॉट्स नहीं देखने को मिले, और फीलिंग में भी मतलब कलर थोड़े अलग लग रहे हैं, कलर थोड़े ब्राइट लग रहे हैं, मेन सबसे बड़ा चेंज वही है। बाकी आप, हाँ टी शर्ट नहीं है वो सब तो नया है ही है। और 4 रन भी लगाते हुए, आई थिंक पहली गेंद पावर प्ले थी, पहली ओवर पावर प्ले थी। और बाउंड्री का भी जो एनिमेशन का फॉन्ट आया था वो भी बदल दिया है, तो भाई बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। और डेवलपर्स को यार थोड़े थोड़े समय में अगर ये करते रहेंगे तो मतलब फीलिंग अलग आती है, तो मज़ा आता है यार खेलने में। मुझे नहीं मालूम कैसे बट एडवर्टाइज अभी भी आ रही है। और हाँ नहीं रख पाया यार मैं, यार रावत 6 मार गया। एंड यस भाई, 6 का भी फॉन्ट बदला हुआ है, सीधी सी बात है। बट अभी तक कुछ नया देखने को मुझे नहीं मिला अभी तक, ये सच्चाई है। एक मुझे खुद को नहीं यकीन हो रहा मैं इतनी परफेक्ट कैसे डाल जा रहा हूँ। अरे मतलब 9 गेंदें हुई हैं, 9 में से 6 तो परफेक्ट रही हैं, 5 रही हैं तो भी सही है। अरे मिडलिंग परफेक्ट में मिडलिंग, और ऊपर वाला छोटा कैमरा एंगल मस्त है भाई, मान गया मैं, वो सुपर है यार। ये छक्का आ रहा है, ऊपर वाला एक बार तो रहम करेगा शायद, नहीं किया, कोई रहम नहीं, गया भाई तीसरा छक्का, पूरी मेहनत बर्बाद। और ये नया शॉट फाइनली इस गेम में मेरे को देखने को मिला है, 2 ओवर हो गई तब जाके दर्शन हुए नए शॉट के। हाँ भाई ये रिप्ले तो मैं मिस नहीं करने वाला। अरे जबरदस्त, कुछ भी करके भाई वाइड मत जान देना। और ये क्या था, अरे ये भी कुछ अलग फील देके गया, मतलब ऐसा लगा कि वो स्विप खेल रहा था या पता नहीं क्या खेलने जा रहा था, बट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया शॉट को। हाँ कंप्लीट तो नहीं ही कर पाया ये तो पक्का ही है, उसमें तो कोई संदेह नहीं। स्पेशल गेंद एक बार फिर से, 3 की 3 गेंदें परफेक्ट, और मिस कर दिया। अब डुप्लेसिस का, अबे डिफेंस, ये क्या हो गया एक्सपर्ट को। बट हाँ 3 ओवर में 22 ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। 1 मीटर दे, अरे यार अनुज रावत या जिसको कुछ समझा ही नहीं वो क्या खेल गया। अरे ये भी नया शॉट था, अभी मेरी बैटिंग भी आएगी तब तो मैं दिखाऊंगा हर गेम, मतलब पता नहीं क्या होंगे शॉट्स कितने नए आएंगे बट देखते हैं। अरे ये क्या है, इतना बड़ा ग्रीन मीटर होने के बावजूद भी ग्रीन मीटर नहीं जा रहा। एलबी, ये बंदा भी मिस हो रहा है। 3 ओवर हो गए, 8 का रन रेट हो चुका है। क्यों मैं इतना अभी एकदम छोट कैच कैच भी नहीं, अभी एकदम छोटा होता ना तो मैं परफेक्ट मारता, इतना बड़ा है तो कॉर्नर पर टच हो रही है, वो भी शायद था कि नहीं पता नहीं, मिस हो गया शॉट, 2 रन सिर्फ। ऑल गुड ऑल गुड, ऑन द पेपर एवरीथिंग इज गुड। और बीट यहाँ पे कवर ड्राइव नई वाली लगाते हुए बट बैट पे नहीं आई, बट देख लिया हमने एनिमेशन बहुत है यार। इसकी स्ट्राइक रोटेट करवाओ, भले 13 में 8 मारा है, अभी छक्का मार के 14 में 14 कर लेगा। डिफेंस कर रहा है क्यों, लेकिन और अर्जुन राव अर्जु अरे अनुज रावत गया समझाने फाफडू प्लेसेस को। अरे यार अब पता नहीं, नहीं है मोस्टली तो नहीं है, एडवांस एडवांस लेना चाहिए। पुल किया, 6 रन चालू भाई। फाफडू प्लेसेस का खौफ 3 गेंदों में, लास्ट 4 गेंदों में चूक गया। अरे यार खत्म, अबे फिर ऊपर से निकल गई, ये क्या। एक तो पहली बात, पहली 4 ओवर में पता नहीं क्या हुआ, ग्राउंड शॉट, 1 रन 1 रन 1 रन बच गए भैया, लास्ट 2 गेंदों में इज्जत थोड़ी बची। 5 8 40 ठीक है, 45 तो मारने की कोशिश करें। मैं एक चीज़ चाहूँगा, विराट कोहली की बैटिंग आते हुए दिखा दें यार, मतलब मेरे को 18 और 18 दोनों को खेलते हुए देखना है, 2 2 18 कैच। और ये हाँ फाइनली विकेट भी देखने को मिल गए, क्योंकि ये मेरे पास 2 ही गेंदें बची हैं अब, तो विकेट लेने का सेलिब्रेशन तो अपना शमी भाई का वैसा ही है, तगड़ा वाला, ये ओरिजिनल शमी वाला है।
ठीक है, रावत आउट। ट्रिपले में कुछ नया है नहीं तो मैं स्किप कर रहा हूँ। एंड हियर कम्स द कोहली, कपड़ा बदल के हरे कपड़े में आ गया बैटिंग करने के लिए। लेट्स सी यार, यार इसका रेटिंग तो एकदम टॉप होगा। फाफ बैटिंग पे है, लास्ट गेंद है 45। वन हैंड शॉट, वन हैंड शॉट लास्ट बॉल पे और 42-43 का चेज है। लेट्स गो एंड लेट्स विन द मैच फॉर टीम इंडिया। डायरेक्ट एक्सपर्ट मोड खेल रहा हूँ मैं तो भाई, मुझे नहीं मालूम मैं क्या परफॉर्मेंस दूंगा एक्सपर्ट मोड में, बट फिंगर्स क्रॉस्ड कि इंडिया जीते और नए नए शॉट्स आपको देखने को मिले। मैंने इंट्रो स्किप नहीं की थी, स्किप कर दी होती तो पता भी नहीं लगता कि इन्होंने मोडर ने पीछे बैकग्राउंड में भी चीज़ें चेंज की है। अपना ऑर्डर नॉर्मल वाले के साथ जाएंगे, किशान, किशान नहीं, ईशान और रोहित, एंड बाकी ये सब तो सेम है। चेहरे आप नज़दीक से देख सकते हो, टी शर्ट नज़दीक से देख सकते हो इंडिया की कैसी है। बाकी यहाँ यहाँ देख लो भाई आप, बैंगलोर की जर्सी अगर मिस कर दी हो अभी तक तो। विली आए हैं पहली ओवर करने ईशान किशन के सामने। मैं अपना पहला शॉट लगाने को तैयार, थोड़ा एक बार दिमाग में कंट्रोल देखना पड़ेगा। अभी बाउंसर गेंद है, मुझे जहाँ तक याद है बाउंसर गेंद पर शॉट नहीं आता मेरा वाला, ट्राई कर रहा हूँ खेलना, चला ही नहीं, बदला है फ्रेंड। और मैं माई टच खेलता ही कहूँ मैं, चार रन, मतलब पिछली गेंद पर भी चौका था दोस्त। और ये शॉट नहीं बदला है, पीछे वाला शॉट नहीं बदला है। मुझे एक डाउट हो रहा है कि मैं आपको नए शॉट्स दिखाऊं ठीक है, द्रविड़ शॉट, पता नहीं डेवलपर इन्होंने, मतलब अब तो डेवलपर नहीं बोल सकता, मॉडर्न ने बदला है कि नहीं। अरे बदला है, अरे भाई कुछ अलग ही शॉट लगा दिया, बट भाई वो वाला शॉट बहुत ओपी था। ये भी है, ये भी दमदार लगा, एडवांस क्या खींच के मारा, ऐसा लगा कि भाई यहाँ दम लगाया है शॉट में। लेकिन वो शॉट तो भाई द्रविड़ शॉट तो ओपी था, जबरदस्त, पूरा बॉडी पूरी खींच लिया है। ठीक है, ड्राइव फ्रंट फुट पे भी थोड़े से शॉट देख लेंगे डेलो पर इसने। अरे ये तो लॉपटेड क्यों लिया, ये एनिमेशन लॉपटेड का है, डॉट गई गेंद। रिस्क है, रिस्क है तो इसका है, चलो देखते हैं क्या है ये। लॉन्ग ऑन का चला गया, दो रन रनिंग में धोखा ना देना। डाइव नहीं, डाइव तो सेम ही है, ठीक है, हमारे का बैट भी है दोनों के पास। तो वही है कि पिचिंग का सारा खेल है भाई, आप पिचिंग सही नहीं कर पाए, मतलब सही शॉट नहीं ले पाए पिच के हिसाब से, तो सब गड़बड़। ऑफ स्टंप गई है चार रनों के लिए, बट जाना लेग स्टंप चाहिए था। अब मुझे देखना ये कि रिप्ले में कि एनिमेशन किस तरह का आया है, एजिस वाला आया है या अगली गेंद में मारूंगा तो क्या अगली गेंद। अरे वाह क्या सही दिखाया, बैट देखना भाई, बैट का फेस देखना कैसा खुला है। अरे यार कितना मस्त एनिमेशन, पीछे की तरफ पूरा बैट स्विंग है, सुपर भाई। ठीक है मिड विकेट, अब मेरे को तो नहीं लग रहा इन्होंने मिड विकेट वाला मेरा वाला शॉट डाला होगा। ऐसे भी ये द्रविड़ शॉट वाली गेंद है, ठीक है द्रविड़ शॉट ट्राई करते हुए हम लोग, और बाहर जाने की जरूरत है कि नहीं पता नहीं, बट नहीं, दैट्स अ सिक्स। ये भी इज्जत रख ली भाई द्रविड़ की द्रविड़ शॉट की एक्चुअली, क्योंकि ये शॉट मेरा वाला शॉट ऐसा है कि उस पर चौका या छक्का कन्फर्म होता है। फिर हाँ आप बहुत गलत खेलोगे तो फिर तो मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ। देखने लायक शॉट, छः रन, ठीक है बात है, मैं लॉपटेड लेने वाला हूँ। अरे लॉप पे ही क्लिक है वो, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा, मुझे भी नहीं मालूम। ये कहाँ गई एज, ठीक है अरे मालूम पड़ गया कवर पे। डीआरएस अगर आता है तो डेफिनेटली मैं लूँगा, मतलब एम्पायर ने तो आउट दिया। 20 गेंदों में 21 करने, डीआरएस का कहीं ऑप्शन नहीं आया है। एंड दैट्स अ विकेट, हमारी पहली विकेट गिरती ईशान किशन, मतलब कि विराट के आने का टाइम हो गया। एज तो ठीक है, चलो थोड़ा बहुत गेंद रुकते हुए आया था तो कह सकते हो आप। एंड सूर्या को भी देखना है मेरे को, अब देखो और कैसे देखने का मौका मिलता है। फिर पैरों पे गेंद, फ्रंट फुट, ठीक है ये क्लिक करके देखते हैं, पता नहीं क्या शॉट होगा, नो बॉल है एक्चुअली नियम से देखा जाए तो। अरे ये वाला शॉट RC24 का, ये सबसे ट्रस्टेड शॉट में से एक है, मतलब मैं चार शॉट सजेस्ट करूंगा अगर आपको तो उसमें एक शॉट ये होगा। आंख बंद करके मतलब आप इसकी प्रैक्टिस करो, आपको मोस्टली मैच जिताने वाली सिचुएशन में ये आपको पहुंचा देगा शॉट, भरोसेमंद शॉट है यार। पीछे की तरफ वाले शॉट भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट ठीक है मैं अभी एडवांस विराट के साथ, अब वो तो बच गए थे। और ये बैट पर से दो रन, ठीक है रन रेट 6 के नीचे आता हुआ, तीन रन नहीं, RC24 होता तो गिर जाता वो बिना मतलब तीन आ जाते। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा खेलने का टाइम है, फाइन लेग खेल रहा हूँ जो मैं इजी और मीडियम में भी नहीं खेलता। ओए कितना मस्त शॉट, ये भी मतलब थोड़ा फ्लिक की वाइब्स आई है, बट जिस तरह से ऑफ स्टंप गया फिर घूमा है लेग स्टंप, यार मतलब अगर मोडर्स इसके अंदर अपना कोडिंग कर सकते हैं, अपने कोडिंग के शॉट लगा सकते हैं
तब तो कोई भी लगा सकता है मतलब यार। हाँ आसान नहीं होगा बट मानना पड़े यार, मतलब इतना। ये देखो ये वाला शॉट है, ये आउट कहाँ से है यार, कितना दूर है सब। और मॉडर के पास सारे राइट्स होंगे तो भाई तब तो मतलब मजे ही मजे भाई, तब तो ये क्रिकेट 2007 को पीछे छोड़ देगा मोडिंग में। ठीक है चलो, डीआरएस का भी दर्शन हो गया इस गेम में। मुझे लगता नहीं है मॉडर ने चेंज किया होगा कुछ भी, कुछ रहता भी नहीं है ज़्यादा बट फिर भी। और ये तो मुझे लग रहा है सचिन सागा का शॉट है क्योंकि उसमें भी सब विराट कोहली है, तो इसको देख के मुझे वही याद आया बूढ़े सचिन वाला, बूढ़े विराट कोहली। छोड़ो भाई उस गेम को। ठीक है अभी यार नॉट आउट है ये तो सबको ही पता है, विकेट अंपायर कॉल आ रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। नजर गई मेरी स्टंप पे भी RC25 लिखा हुआ है। सही है भाई नॉट आउट। पीछे जमीन पे भी जो है ना स्टिकर लगे होते हैं उस पर भी, घास के ऊपर भी RC25 लिखा हुआ है, 12 में 12। अरे यार जीत तो जाना चाहिए मेरे को, अभी कुछ धोखा ना हो जाए। ठीक है बस थर्ड मैन मार रहा हूँ फ्रंट फुट पे ही, क्या शॉट है लॉफ्टेड पे। ओ ए बाप रे, अनएक्सपेक्टेड, मतलब बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये शॉट आएगा। मैं तो कट के मूड में था इसीलिए तो मैं थोड़ा सा ना जगह बना के रखी थी, किस्मत ऐसी कि मैं एकदम बॉल की पिच के सामने आ गया एंड दैट्स अ परफेक्ट हिट। ये तो छीछी शॉट है, मतलब छीछी से मिलता हुआ शॉट है। 8 गेंदों में 8 रन चाहिए 11 में, अभी तो थर्ड मैन और खाली हो गया, अंदर आ रही है गेंद। ठीक है चलो एक बार पीछे मार के देखते हैं। हाँ इस पे क्या शॉट होगा, अच्छा इस पे तो वही अपना ये पुराना वाला है पर सही है, काफ़ी इफेक्टिव शॉट है। उसमें ट्राई नहीं किया उधर बट ठीक है अभी 4 रन। अरे मैं जिताना भी चाहता हूँ भाई वीडियो में, खाली शॉट नहीं दिखाने हैं, एक एडवांस करने वाला हूँ मैं। अरे यार बहुत आगे डाल दी, चलो अब रिस्क ले ही रहे तो ले ही लो भाई, देखते पता नहीं क्या शॉट लेगा एडवांस, ऐसे तो लॉजिक ही नहीं है। स्टंपिंग भी देख लो यार रोहित का, एडवांस में कुछ चेंज नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली, काश कुछ दया दिख जाता तो अच्छा होता। मैं स्किप करूँगा ये सेलिब्रेशन, तो वही है ज़्यादा सूर्या को देखना है मुझे। ऐसे हैं कुछ कुछ ऋतिक रोशन वाली दाढ़ी डाल दी है, बाकी तो ठीक है। सूर्या के अंदर ठीक है एडवांस, चलो एक बार थर्ड मैन एडवांस देखते हैं भाई। हाँ मोस्टली आउट ही होने वाले हैं हम लोग बट अरे सब में एक ही जैसे शॉट है, पॉइंट पे भी वही, थर्ड मैन पे भी वही। ड्रामा ना हो जाए कुछ आखिरी में, दिक्कत ना हो जाए। ने सामने की तरफ शॉट, विराट कोहली तो पहली बॉल पे छक्का मार, अरे हुक शॉट वाला भाई, फाइनली बैकफुट खेलने का मौका दिया इस गेम ने। कितनी गेंद बैट पे आती है वो देखना इंपॉर्टेंट, पहली गेंद। अरे कोहली आउट, ये तो गेम बर्बाद कर दी भाई मेरी, 5 में 4 और रेटिंग काफ़ी कम है प्लेयर्स की आने वाले की, और थोड़ा लेट खेलना। अरे मैं भूल गया लेट खेलते हैं बैकफुट शॉट, बैकफुट शॉट एंड एडवांस शॉट लेट खेलते हैं। चलो भैया एक बार फिर हमारा 2024 में केएल राहुल को मैच जिताने की जिम्मेदारी है, ये वो लोग ही समझ पाएंगे जो मेरे टेस्ट मैच के गेम प्ले देखते हैं। 5 गेंदों में 4, मैं अंधाधुनी मारने, मतलब अंधाधुन मतलब हाँ अटैक ही करने वाला हूँ, वही शॉट सेम पिछली बार वाला ही, बैकफुट है, थोड़ा लेट पेस है इसका, कोई दिक्कत नहीं। अबे क्या हो रहा है ये, दो दो फील्डर लगाए भाई यहाँ पे, 39 for 5, एक और डक। सूर्या वाला मेरे को अफसोस हो रहा है कि क्यों उनको डक करवाया मैंने। वो नया शॉट है ये, लेट शॉट, हाइट, वार्निंग, ठीक है वार्निंग मिली, अब बाउंसर नहीं आ रही, मतलब सामने मारने का अब सोचना पड़ेगा। हाँ मिड विकेट भी खाली है बट मिड विकेट पता नहीं कौन सा शॉट है। ठीक है एडवांस करने के लिए इससे बेहतर गेंद मिलेगी नहीं, बैट पे चाहिए मुझे बस। लग गई है, दैट्स अ विनिंग शॉट फ्रॉम केएल राहुल भाई, लाजवाब राहुल, भरोसेमंद राहुल। बी से अरे नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा, बी वाला बोल दिया मैंने, केएल तो ठीक है वो कुछ और मतलब होता है बेवकूफ़ों की नज़र में बट ठीक है, हमारे लिए तो भरोसेमंद केएल राहुल है, बाकी लोग पता नहीं बीकेएल का मतलब क्या है। ठीक है इंडिया 1 by 5 wickets एंड भाई प्लीज़ रिस्पेक्ट द प्लेयर्स जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी अभी के लिए मोड गेम प्ले आपके सामने आता हुआ भाई, डेफिनेटली RC20 को मैं फिर से चैनल पे लाना चाहता हूँ, बट लाऊंगा या नहीं लाऊंगा वो भाई आप लोगों के प्यार पे, कमेंट सेक्शन में, लाइक पे डिपेंड करता है, कमेंट पे डिपेंड करता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। रोहित शर्मा ही मैन ऑफ द मैच ले गए हैं तो दिस इज इट RC24, इसका हाईलाइट भी सेव कर सकते हो बट नहीं करेंगे हम लोग, फर्स्ट गेम प्ले था बट सुपर है मोड। अभी एक और मोड आने वाला है एंड प्लीज़ भाई आपको अगर मोड के बारे में पता लगता है तो मेरा इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब कमेंट सेक्शन है, आप कहीं भी मैसेज कर सकते हो कि भाई ये मोड, लिंक भी दे दो। डार्क किंग ने मेरे को दिया था ये, तो बिग थैंक यू गोज टू डार्क किंग जिन्होंने मुझे ये मोड का लिंक दिया है, थैंक यू सो मच फॉर द शेयर करने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कुछ और सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाय बाय।